मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली पर हर साल गोरखनाथ मंदिर में आयोजित होने वाले होली मिलन समारोह में भाग लिया। इस दौरान गोरखनाथ मंदिर में हजारों की संख्या में नागरिकों और भाजपा के कार्यकर्ताओं की लाइन लगी रही, जिस पर सुरक्षा कर्मियों द्वारा बारी बारी से उनको मुख्यमंत्री से मिलने दिया गया। वहीं मुख्यमंत्री का आशीर्वाद पाकर सभी कार्यकर्ताओं के चेहरे खिल उठे, जिसके संबंध में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि होली का पावन पर्व सभी लोग मना रहे हैं, वही दोहरी खुशी सभी नागरिकों के अंदर है, क्योंकि दोबारा मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में प्रदेश में दोबारा सरकार बनने जा रही है, जिससे प्रदेश में होली 10 मार्च को ही शुरू हो गई थी। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह लोगों के साथ होली खेले और शाम को होली मिलन में भाग ले रहे हैं और लोगों से मिल भी रहे हैं, जिससे सभी लोगों के अंदर बहुत खुशी है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी के मल और भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, we'll be right back.
ज़्यादा देख लीजिए उत्साह लोगों के बीच का, क्योंकि होली के साथ में होली का त्यौहार तो उत्साह उल्लास का त्यौहार होता ही है, और साथ में यह कई गुना बढ़ जाता है जब हमारे मुख्य संरक्षक परम पूज्य महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज दोबारा मुख्यमंत्री के लिए चुने गए हैं विधानसभा सदस्य के रूप में गोरखपुर में, और ये उत्साह तो जनता के बीच में दिख रहा है अभी बहुत अच्छा। कार्यक्रम के लिए क्या कहेंगे लोगों के होली की बधाई? ये होली की हर वर्ष होली के दिन यहाँ पे लोग आते हैं, एकत्रित होकर पूज्य महाराज जी को शुभकामनाएं देते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, और ये तो परंपरागत तरीके से ये जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, ये श्री गोरखपीठ का जो ये सिद्धांत है या कथन है उसके आधार पे सभी लोग हर वर्ग से ऊंच नीच छुआछूत छोड़ के यहाँ पे गले मिलते हैं और होली का त्यौहार मनाते हैं रंगोत्सव का। और आज विशेष क्योंकि ये चुनाव के बाद एक प्रचंड बहुमत के साथ पूज्य महाराज जी उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करने जा रहे हैं, और पूरे भारत से नहीं पूरे विश्व में गोरखपुर के लोगों का सम्मान बढ़ा है, इसलिए आज खुशी कुछ ज़्यादा ही है। होली का पावन पर्व जहां सभी लोग उत्साह के साथ मना रहे हैं, वहीं ये दोहरी खुशी जनता जनार्दन ने जो योगी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ जीत दी है। उत्तर प्रदेश में होली तो 10 मार्च से ही शुरू हो गई है, जो लगातार योगी जी के नेतृत्व में आज योगी जी ने जो सुबह होली का जुलूस निकाला और यहाँ पर होली का एक दूसरे से मिलने का कार्यक्रम हो रहा है। निश्चित रूप से होली का पावन पर्व, ये जो आपस में स्नेह और मिलन का पर्व है, ये उत्तर प्रदेश में और एक उत्साह बढ़ाने वाला सिद्ध हो रहा है। लोगों के अंदर जबरदस्त उत्साह, मैंने कहा होली का डबल उत्साह है, जहाँ एक तरफ लोग होली का पर्व मना रहे हैं, वहीं योगी जी के नेतृत्व में जो प्रचंड बहुमत से हम जीते हैं, इसलिए दोहरी खुशी आम नागरिकों में है।